कौन किसी को बांध सका, हाँ कौन किसी को बांध सका। सैयद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक न एक दिन पंछी को उड़ जाना है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कस काय। तो दोस्तों, आपके सामने फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ और फॉरेस्ट एरिया में हम लोग आए, जहाँ पे हमारे साथ जो है हमारे एक मित्र भी है और हमारे शिष्य भी बोल सकते हैं। उनका नाम है सनत, सनत उनका नाम है और कोल्हापुर के रहने वाले, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। और राजू कदम सर और हमारे काफी बड़े फैन है वो, तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो खुद कैमरे के सामने आए और जो ट्रिंकेट से जो हमने रिलीज किया था थोड़ी देर पहले, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी उनके हाथों से रिलीज करेंगे। आइए सनत सर। तो आप देख सकते हो कि हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो सनत सर। और ये सर, आप स्टूडेंट हो क्या? जी जी, मैं कोल्हापुर से आया हूँ और मैंने सर के बहुत वीडियोस देखे हैं और मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और सर का जो काम है वो बहुत फॉलो करता हूँ और बहुत सीखने को मिला है आप सर के वीडियोस से। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी देखिए और बहुत बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन देते हैं सर। तो ये सनत सर है और एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के होने के बावजूद एक पुरानी मित्र है और सर्प मित्र भी है। और ये खास जो है कोल्हापुर से जो है ये पुणे में पिंपरी चिंचोड़ में खास सर्प मित्र राजू कदम जो हमारे खास मित्र है और मैं जिसको आप तो जानते हैं एक छोटा सा मामूली इंसान हूं मैं, और हमको मिलने के लिए वो आए हैं। तो ये जो ट्रिंकेट स्नेक है इसको मैंने अभी एक डेढ़ घंटे पहले इसको मैंने रेस्क्यू किया था और रिलीज करने का जो मौका है वो सनत सर को हमारे साथ मिलेगा। तो सर आप खुद इसको बाहर निकालें और एक बार इसको थोड़ा सा नजदीक से हम लोग दिखाएंगे। लीजिए, हाथ में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लो ले लो, हाथ में ले लो, पकड़ लो। तो आप देख सकते हो कि ये है ट्रिंकेट स्नेक। महाराष्ट्र में हम लोग इसको तस्कर के नाम से जानते हैं, हिंदी में अलंकार सांप, गुजराती में वन सुंदरी, रूप सुंदरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इसमें जहर नहीं होता और काफी बार इसकी वीडियो बनाई मैंने और फिलहाल काफी मात्रा में बाहर निकलते हैं, इंसानी बस्ती के आसपास रहना पसंद करता है ये सांप। फिर से बता देता हूँ, अलंकार सांप इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नेक। और हम चाहेंगे कि सनत सर के हाथ से जो है इसको हम लोग रिलीज करें। रेस्क्यू जब हम लोग करते हैं तो रेस्क्यू तो हमको करना पड़ता है, वो तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो रिलीज का जो मजा है उस मजा को जो है हमारे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए। क्योंकि जब कोई सांप को हम रिलीज करते हैं, जब वो उसके नेचर में वापस से जाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हम लोग किसी कैच से रिहा हुए, तो बहुत ही काफी बढ़िया मंजर होता है। और सर इसको हम एक काम करेंगे, आप इसको इस पेड़ के ऊपर छोड़ दो ताकि यहाँ से यहाँ निकल जाए। सर ऐसा मैं चाहूंगा कि कदम सर जो हमारे आज कैमरामैन बने हुए हैं, और सर को मैं एक बार बोलूंगा कि सर आप थोड़ा सा इसको नजदीक से फिर से दिखाएं, ऐसा ये देखिए, और इसको हम लोग इसके नेचर में छोड़ेंगे। तो सर की परमिशन लेते हैं हम लोग, सर छोड़े। हाँ सर। तो ये देखिए ये किस तरह शानदार तरीके से जा रहा है, देखिए क्या बढ़िया नजारा, बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प मंजर देखिए आप, क्या बढ़िया है, वाह वाह वाह। कहाँ चले जाइए, चले जाइए। तो देखा आपने कि किस तरह जो है एक बेजुबान प्राणी को हम लोगों ने उसके असली ठिकाने में पहुंचा दिया। और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो मित्र है, हमारे जो शिष्य है और हमारे जो स्टूडेंट है, इनको शायद थोड़ा मजा आया होगा। बिल्कुल, बहुत मजा आ गया। और कोशिश करेंगे कभी आप फिर वापस आएंगे तो अगर कोई रेस्क्यू कॉल आया तो हम चाहेंगे कि आप खुद उसको रेस्क्यू करें हमारे साथ। तो फिर से हम मिलेंगे फिर किसी जानकारी या फिर किसी रिलीज ऑपरेशन के साथ या फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने दो, प्यार लो, प्यार दो, मोहब्बत बांटो, अच्छे काम करते रहो और आखिरी में वन विभाग के जो कानून नियम है उनका पालन करो। धन्यवाद।